आ गई तू और बता, माफी शाफी दे दी एक दूसरे को? मतलब मैं तो जानती थी एक दूसरे को मिलकर ना सब कुछ ठीक कर लोगे तुम लोग दोनों, बाय गॉड। सुनने की बच्ची, तेरा ही गंदा सा आइडिया था ना, लस्सी करा दी जीजी के सामने मेरी। मेरे घर नहीं बरतार पा। ओ आ गया भाई। ना, देख भाई, थैंक यू शुक्रिया बोलने कोई जरूरत ना भाई, मैं यार तेरा दोस्त हूँ, लंगोटिया यार हूँ, तो भाई मैंने जो भी किया ना वो दोस्ती में किया है, अपना फर्ज अदा किया है। वैसे कैसी रही मीटिंग? हट साले, अपने आप को दोस्त कहता है तू मेरा? पता नहीं किस बेवकूफों वाली घड़ी में मैंने तुझे अपना दोस्त बनाया था, और पता नहीं क्यों बनाया था। साले तूने मुझे झूठ बोल के इलायची जी के पास भेज दिया, बेवकूफ आदमी। अबे साले ज्यादा तुरम खाना बन, समझा? देख नाक उतनी बड़ी अच्छी लगती है जो चेहरे पर अच्छी लगे, समझा? यार बात कर रहा फालतू की। साले एक तो मैं तेरी मदद कर रहा हूँ, ऊपर से तू मुझे रौब दिखा रहा है। अबे कितना ईगो यार तुझे। अबे चुप कर, मेरा कोई ईगो वीगो नहीं है, समझा? है ईगो, बहुत बड़ी वाली ईगो है। मतलब तेरी ईगो ना चांदनी चौक से सीधा चांद पर पहुंच गई है, ये भी कोई बात होती है ईलू? सुनू मेरा मामला ज्यादा मत बिगाड़, मैं खुद हैंडल कर लूंगी, तू दूर रह। अबे क्या खाक हैंडल करेगा यार तू? देख मुझसे फालतू की बात ना कर, मैं सब जानता हूँ। साले मैं जानता हूँ तेरे गले के सुर जो है सूख गए, जिधर से आवाज आती ना इलायची जी उधर तेरे आंख और कान घूम जाते हैं, और जो सामने आए तेरा मुंह घूम जाता है। मतलब ईलू तू जीजा जी का प्यारा सा मासूम चेहरा देख कर भी नहीं पिघले, इतने करेले पीस लिए तूने अपने दिल में उनके लिए? ईलू यार तू बदल गई है, तू यू हैव चेंज्ड यार सच्ची। ठीक है सुनू तू भी बोल ले, लेकिन मेरा दिल ही जानता है जितनी बार मैं जीजा की तरफ से मुंह फेरती हूँ ना अपना, तब भी मेरी आंखें सिर्फ उन्हें ही ढूंढती हैं। कितनी बार मेरे कितने करीब होते हैं, पास खड़े होते हैं, और बस मैं इग्नोर करके चली जाती हूँ। हमेशा दिल करता है कि जाऊं और कहूं जीजा जी छत पर है, लेकिन नहीं, मेरी जबान साथ नहीं देती है। तुझे लगता है कि मैं बदल गई हूँ, पत्थर दिल हूं, है ना? तो क्या करूं अब मैं? जीजा जी छत पर है सुनने के लिए कान तरस गए मेरे, पूरी जिंदगी ऐसी सूनी सूनी सी लगने लग गई है, कोई हमें तंग नहीं कर रहा, कोई हमें परेशान नहीं कर रहा, और वो देख के भी अनदेखा कर रहे हैं यार पिंटू। अरे यार तू भेजा था तुझे बात करने के लिए, बोल ना पाया वहां पे है? तब तो घमंड में चकनाचूर वापस आ गए, बात ना कर सका तू? अब ये भी मैं तुझे सिखाऊं कैसे बात करते हैं लड़कियों से। चल जाए ऐसे, अपना काम कर, कपड़े सुखा, सोचने दे मुझे। ईलू सैड वाली सेल्फी। सुनो यार, मैं नहीं जानती हूँ कि मैं जीजा जी के बिना कैसे रहूंगी, लाइफ में टेंटे हो रखे हैं मेरी। सेठ जी, सेठ जी क्या हाल है? मेरी शक्ल देखकर क्या लग रहा है? सेठ जी तुम्हारी शक्ल तो ये बता रही है कि जैसे मैंने तुम्हारे जख्मों में उंगली कर दी हो। सही कह रहा है, ये बता कहाँ कहाँ गायब हो रखा था तू? अरे सेठ जी मेरी कुछ ना पूछो, मेरी मौसी जो है ना आज जाके ठीक हुई है अस्पताल में, रोज चक्कर लगा रहा था अस्पताल के, अब लेकिन मैं फ्री हो गया, और मेरी मोहब्बत देखो। सबसे पहले मैंने सोचा सेठ जी का मुखड़ा देखूं, सेठ जी के हालचाल ले लूं, सेठ जी कैसे हैं, दुकानदारी कैसी चल रही? अरे चल क्या रही है, मैं देख रहा लेटी हुई है, और क्या? क्यों क्या हो गया? अब क्या बताऊं तुझे, कुछ हटंगी को काम पे रख लिया मैंने, अब वो मुझे चूना ना लगा रहा है, चूना पोत रहा है पूरा पूरा मेरे ऊपर। तुमने छटंकी को काम पर रख लिया? हाँ। तो भाई खोपड़ी पे किसी ने बंदूक रखी थी क्या कि छटंकी को ही रख लो दुकान में? कैसी बातें कर रहा है, तेरे मौसाई ने तो कहा था क्या अगर तुम्हारा कोई करीबी तुमसे दूर चला गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, अब बता छटंकी को रोकने के लिए मुझे इस दुकान में जगह देनी पड़ी उसे, बता। अरे सेठ जी कैसी बातें कर रहे हो, तुम मेरे मौसा की बात का मतलब ही ना समझे। मौसा ने ये कहा था कि सेठ जी मतलब करीबी समझते हो ना, करीबी वो भी तो होता है जो तुम्हारी भलाई चाहता हो, ये थोड़ी कहा था कि सीधा सीधा रिश्तेदार को रख लो। अरे तूने पहले क्यों ना बताया, ये कहीं मेरा करीबी वो सरगम तो ना है, और वैसे भी ये छटंगी जो है मेरे घर और मेरी दुकान पे जो है सांप बन के जो है कुंडली मार के बैठा है, अब देख ले कहीं बाहर गया है चरने के लिए। सेठ जी तुम ना हीरा छोड़ के कोयला गले में ऐसे बांध के घूम रहे हो, बेकार काम कर दिया तुमने। ले शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। और छोटा क्या हाल है तेरा? ठीक है बैठ जा। ठीक है भाई। ओ जीजा एक काम करो जरा, 100 रुपए देना है मेरे, वो आइसक्रीम वाले को देना है यार, छटंकी को यार उधार पसंद नहीं है भाई।
सेठ जी दीमक। कैसा बदतमीज आदमी है भाई। मुझे तो तेरा इस धरती पर रहना ही पसंद ना है। अब बोल। अरे कैसी बातें कर रहे हो अपने बेटे से? ये कोई तरीका है अपने बेटे से बात करने का तुम्हारा? क्या कर रहे हो यार? मुझे दिखा पहले पैसे। जबरदस्ती कर रहे हो यार। अरे क्या नीचे क्या कर रहे हो? अरे कहाँ से आई ये पैसे बता? कहाँ से तोड़ लाया तू? या यहाँ से आई? बोल, बात कर रहा था। अरे जीजी कसम खा के कह रहा हूँ। अरे क्या हुआ है इलायची के पापा, क्यों शोर मचा रहे हो? अच्छा हुआ जीजी तू आ गए। तेरे मासूम भाई पे चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है, उसकी तलाशी ली जा रही है। समझ गए? इससे तो अच्छा मैं जेल के अंदर था। इलायची के पापा, मेरे भाई ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? हाँ, एक तो तुम्हारी मदद करने के लिए वो मुंबई की लगी लगाई नौकरी छोड़ के यहाँ बैठ गए, और ऊपर से चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। मेरे तो भाग्य फूट गए। मैं कह रहा हूँ इसका मुंबई का टिकट कटा दे, जा मुंबई जाएगा ये, बता दिया वही नौकरी करेगा जाके। जा, मैं तुझे नौकरी से निकाल ले। चला। अरे जीजा, टिकट कटवाने की कोई जरूरत ना, मैंने नौकरी के लिए मना कर दिया। अब मैं यही रहूंगा जीजी के साथ, अब देखता हूँ कि मुझे कौन निकालता है। छट्टू, सोने के झुमके दिलाने के लिए शुक्रिया। वैसे गले की चैन कब दिला रहे हो? हाँ, मेरे तो भाग्य फूट गए। लाके यहाँ पटक दिया। ये ना खाने की जगह है, ना लेटने की जगह है। हाय फिंटू भाभी, कैसी हो? यहाँ तो बड़ा मजा आ रहा होगा इतनी चहल पहल में, मतलब बोर तो बिल्कुल भी नहीं होती होंगी, है ना? अरे इलायची जी, क्या बताएं आपको भैया, सही बताएं ना, तो बस ये समझो जैसे तैसे कट रही है बस। ओ फिंटू भाभी, सच बताऊं तो जब से आप और जीजा जी गए हो ना, हम दोनों को तो छत पे जाने का मन ही नहीं करता। बाय गॉड। चल झूठी। अरे कल रात को ही आइसक्रीम खा रहे थे हम लोग, मतलब ठंडी हवा का आनंद लेते हुए छत पे। झूठ बोल रही है। बुबू, तुमने बताया ना कि हमें कितनी चैन की नींद आई खुले आसमान के नीचे। आहा, क्या मजा आया, नहीं कितने दिनों बाद वो भी। चुप, क्या खा के नींद आई यार, फालतू बात कर रहा है, पूरी रात मच्छरों नोचा है, ऐसी ऐसी जगह काटा है, बता दे तो तू अभी बेहोश हो जाएगा। मतलब हम जे कह रहे इलायची जी, सुनीता जी, यहाँ ना बहुत मच्छर है भरे पड़े भैया, पूरी रात मुश्किल हो गई, ऐसे कुछ कुछ काटत रहे, हम तो ना कतई ना सो पाए। भाभी स्माइल, पिट भाभी सेल्फी। हाँ हाँ, ले लो ले लो। अब सुनो, चलो गोलगप्पे खा के आते हैं। पिंटू भाभी प्लीज, आप भी चले ना। हम तो तैयार हैं भैया गोलगप्पा खाने के लिए, हमारा तो बहुत मन है गोलगप्पा खाने के लिए। ठीक है, मैंने जरा अपने बाल देख के आती हूँ। हाँ हाँ, देख लो देख लो। चल सुनो, वे आओ ना। आप चलो, हम आ रहे हैं भैया। भाई साहब, हमसे गलती से हो गया, हमें माफ कर दीजिए, वो पता ही नहीं चला कैसे हो गया। अरे यार। अरे तूने दुकान संभाल के दिल खुश कर दिया, मौसा बहुत खुश है, तू कहाँ जा रही है? जी क्या किया तूने, मूंछ ही काट दी? निकल ले दुकान से, मेरी निकल ले, मेरे दिमाग खराब हो गया। निकल सामान, निकल सामान इसका। ये जी जी जी, बैग है, बाहर बाहर, तू बाहर भाग, बाहर निकल। सॉरी भाभी, तुम्हें बैठना हो बैठ जाओ, भगा इसको। अरे अरे रो मत, अरे मैं क्या कह रही हूँ मेरी बात सुन ले, मैं कह रहा हूँ कि आधी कटी हुई मूंछ बारात में लेके जाएगा अच्छा ना लगेगा। एक काम कर रहा हूँ मैं, पूरी हटा दे रहा हूँ, नए रूप में जा बारात में, नई नई लड़कियाँ पटा, कैसा रहेगा? उस तरह कहाँ है, उस तरह दे। चल 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 चल।
वो छोटे ने जीजा जी को दुकान से निकाल दिया। जीजा जी और पिंटू भाभी हमेशा हमेशा के लिए चांदनी चौक को छोड़ के जा रहे हैं अंकल जी। अरे जा रहे हैं तो जाए, पता ना है मेरे मुंह पे कैसे दही बल्ले फेंक के मारे थे। ऐसे बदतमीज आदमी का तो चांदनी चौक पे रहने का कोई हक ही ना है। अरे पापा यार, मैंने उकसाया था जीजा जी को ये सब करने के लिए। दरअसल अगर माँ का दूध पिया है ना तो जो भी कहा है ना वो करके भी दिखा देना। हाँ हाँ चले जाएंगे हम। ये सब मेरी गलती है यार, सब मेरी वजह से हुआ, सॉरी। अरे बेटा इलायची, मैंने उस ढक्कन से कितनी बार पूछा, बता बात क्या है, बात क्या है, लेकिन उसने अपने मुंह से एक शब्द ना बताया। इसलिए कि वो नहीं चाहता था कि तुझे डांट पड़े। सोच, ये होती है शरीफ आदमी की निशानी, समझ रही है? अरे यार बाबा कुछ तो करो प्लीज, मैं नहीं चाहती मेरी नादानी की वजह से जीजा जी को ये चांदनी चौक छोड़ के जाना पड़े, प्लीज सॉरी। अबे क्या हो गया तुझे, इतना धीरे क्यों चल रहे? तेरे पैर में कुछ चुभा है क्या? मेरे पैर में कुछ ना चुभा है, लेकिन तेरी आंखों में जरूर कुछ चुभा है। जो तुझे ये घर ना दिख रहा है, दिख ना रहा जिस घर में हमें रहने का ठिकाना मिला, अरे दुकान भी ना देख रही जिसकी कमाई से हम अपना पेट भरते थे तो ठूस ठूस के खाता था। सुना ले यार, तो सुना ले बस, सब मेरी गलती है, पड़ गई शांति, चल अब। अरे सरगम किधर आ? सेठ जी पंचम। अरे हाँ हाँ वही, अपना घर होते हुए इतनी रात को कहाँ भटक रहा तू? हम समझे नहीं सेठ जी। अब सब कुछ मेरे मुंह से ही कहलवाएगा है? दुकान के सारे लहंगे तेरे बारे में पूछ रहे थे, मेरा भी मन सा ना लग रहा है। दुकान में कोई है ही ना जैसे गाली सुनाऊं? एक काम कर, वापस आ जा, वापस काम पे आ जा तू। सेठ जी हमें माफ कर दीजिए, हमने आपके साथ बहुत बदसलूकी की, हमने आपके मुंह पे दही बल्ले दे मारे और अब किस मुंह से? इसी मुंह के साथ बुला रहा हूं तुझे। मुझे इलायची ने सब कुछ बता दिया है, बहुत परेशान किया ना इसने तुझे, इसने वो वाली बात जो तुझसे कही थी, माँ का दूध नहीं करनी चाहिए थी इसे वो बात। तेरी जगह अगर मैं होता ना तो मैं भी यही सलूक करता। सेठ जी हम जानते ना आपको दिल बहुत बड़ो है आपके पेट की तरह, मतलब हम ये कह रहे हैं कि जैसे ना आप दिल के बहुत अच्छे आदमी हैं, आप तो माफ कर देंगे हमको, लेकिन हम लोग कैसे खुद को माफ करेंगे? और गुगु ने तो आपके मुंह पर मारे थे ना फेंक के दही भल्ले, बताओ। अंकल जी हाँ। दही भल्ले खाने? लाए दो लो, जा तू जा। अच्छा देख, अब दही भल्ले का हिसाब बराबर हो गया, अब कोई शकवा शिकायत ना रहा है। चल आजा 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 घर पे आजा आजा। लाइची जी कैसी हैं आप? जी कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी। कितनी अजीब बात है ना इलायची जी, जो इंसान हमारे दिल के सबसे ज्यादा करीब होता है उसी की बातें हमारे दिल को सबसे ज्यादा चोट भी पहुंचाती हैं। कई बार हम अपने अहंकार की चादर से अपने दिल के करीबियों को ढक देते हैं, शायद इस इंतजार में कि कोई माफी का झोंका आए और इसे बस उड़ा ले जाए। जीजा जी
आपकी इतनी गहरी सोच और ये शब्दों का स्वेटर बुनना, सच्ची कहूं तो ना मेरे सर से ऊपर उड़ गया। लेकिन आपकी जो आंखें हैं ना, उन्होंने मुझे सब कुछ समझा दिया। मुबारक हो बिट्टू भाभी। हाँ सुनीता जी, आपको भी ना बहुत बहुत मुबारक। हम सच बता रहे आज तो बहुत खुश हैं। क्या बताएं, बस ये समझो कि हमारे प्यार की बगिया जो है उजड़ने से बच गई। मेरा मतलब मैं ये कह रही थी, जैसे कि क्या है कि गुगु अगर हमको यहाँ से ले जाते तो हम तो ना उनसे गुस्सा हो जाते और फिर हमारा ना गुस्से में तलाक वलाक हो जाता, तो ये समझ लो कि हमारा प्यार का गुलशन जो है लुटने से बच गया। अच्छा करेक्ट। भाभी सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। अच्छी बात है लाइशी जी, कई बार बिना कहे चीजें समझनी चाहिए। अरे यार आप तो कह के भी नहीं समझते हैं। जी जी कुछ नहीं, लेकिन आप ये बताइए कि आप ये कैसे मुझसे बात करने आ गए? मैं तो मनहूस हूँ ना, क्या पता आपकी जिंदगी में कौन सा नया बवाल ला दूं? नहीं नहीं एलाइची जी, पता नहीं जिसने भी आपको ये बात बोली है एक नंबर का बेवकूफ गधा उल्लू का पट्टा है। बिल्कुल नहीं, पता नहीं ऐसी बात बोलता ही नहीं वरना वो बेवकूफ है। ओ हेलो, खबरदार, एक नंबर का उल्लू का पट्टा गधा और बेवकूफ नहीं है वो, मतलब है पर अब मुझे सुनना अच्छा नहीं लगता है। नहीं एलाइची जी, हमें कहने दीजिए, आप बिल्कुल भी मनहूस नहीं है, बल्कि आप सबके लिए लकी हैं। सेठ जी, आंटी जी, हमारे अब हमारा मतलब है हम सबके लिए। एलाइची जी हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, सॉरी। जीजा जी मेरी तरफ से भी सॉरी, वो मैंने आपको वो माँ का दूध। कोई बात नहीं एलाइची जी, हम समझ गए, हमने आपको माफ किया और वैसे भी हमें आपको झेलने की काफी आदत है, कोई बात नहीं। जीजा जी फिर से पंगे ले रहे हैं आप मुझसे। आप सॉरी एलाइची जी, आप तो एकदम लड़ाकू विमान, कोई पंगा नहीं ले रहे हम आपसे, सब सही है। एलाइची जी आपकी स्माइल काफी अच्छी है। आपकी भी बहुत अच्छी है, बहुत क्यूट है। आलू अब तुझे छिलू क्या फायदा छिल के, आलू छिलने पर भी तो मंगी की याद दिलाएगा तू ये आलू। अरे क्या करे पिंकी जी, मंगी तेरी बहुत याद आ रही, तेरे बिना कुछ करने का मन नहीं हो रहा। मंगीलाल क्यों छोड़ के चला गया तू पिंकी जी को? जैसे आलू के बिना आलू का पराठा अधूरा, वैसे मंगी के बिना पिंकी जी अधूरे। मंगीलाल 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 पिंकी जी को छोड़ के गया चला गया था तू मंगीलाल। पिंकी जी जानते तू मंगीलाल नहीं, तू पुष्पा है, पुष्पा। पुष्पा क्या करे पिंकी जी, मंगीलाल दिखता है तुझ में पुष्पा। वापस ले गया सर। पुष्पा 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 मंगी तू पुष्पा नहीं, तू मंगी मंगी है, मंगी है, ये मंगी आ गया, मंगी तू वापस आ गया, ये तूने बड़ा अच्छा किया मंगीलाल। तुझे क्या बताए पिंकी जी, तुझे कितना कितना मिस कर रहे थे तुझे बताए। तूने पिंकी जी को अपनी लत लगा दी है मंगी, तूने लत लगा दी है। साहब जी सच कहूं तो लत सिर्फ आपको नहीं बल्कि मुझे भी आपकी लत लग गई। मंगीलाल तू आ गया ना, अच्छा अब एक काम कर, जल्दी से आटा गूंथ दे, पिंकी जी ना तुझे अपने हाथों से आलू का पराठा खिलाएंगे। चल साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि आलू पराठे के साथ ना पुदीने की चटनी बन जाना तो मजा आ जाए। वो मतलब अरे तूने मुंह की बात चली, मजा आ जाएगा इतने दिन हो गए।
सर, पुष्पा hate tears. थैंक यू पुष्पा. मंगी सर, ये लीजिए अपनी वर्दी पहन लीजिए जल्दी से. हाँ. वैसे भी एक ही तो मर्द था इस थाने में, अब वो आ गया. बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ.